मैं आपको इस तरह से टूटने नहीं दूंगी। चलिए उठिए, मैंने कहा उठिए माँ जी, आप इस तरह से हार नहीं मान सकती। हमें इस तूफान का सामना करना ही होगा। इन सब के लिए माँ जी सबसे पहले हमें अपने आप को दोष देना बंद करना होगा। अब मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। अब सोचिए माँ, मैं खुद वहां इतनी टूट चुकी थी, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी उसने बर्बाद करके रख दी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई? आप देवांगी, मेरा और आपका तो बरसों पुराना रिश्ता है। मैंने आपको हमेशा कितना परेशान किया, फिर भी जब मेरी बहू मुझे छोड़कर चली गई थी तो आपने अपने परिवार को छोड़कर 10 साल मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल की। कोकिला बहू न खुद कभी हारी है और न हमें हारने दिया है, और आज भी इस मुसीबत से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो तू ही है कोकिला। खड़ी हो जा कोकिला, हम सब आपके साथ और हमेशा रहेंगे। एक बात कहूं, ये बात सिर्फ मैं या मामी जी ही नहीं बल्कि घर के सभी लोग जानते हैं। कोकिला, गोपी बिल्कुल सही कह रही है, तुम मेरा गुरूर हो कोकिला। हम सब धागे में पिरोए हुए मोती हैं और तुम वो धागा हो। अगर ये धागा ही टूट जाएगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे कोकिला। हाँ कोकिला, और इस घर की सुख शांति सब कुछ तुम्हारी बदौलत है। काकी जी, जो प्यार मैं राशि को नहीं दे पाया वो आपने उसे दिया। मेरी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाने का फैसला आपका था। मेरी तरफ देखिए, आप इस तरह हार नहीं सकते। सुन रही हैं आप? और ना ही मैं आपको हार दे दूंगा। वो मैंने लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की और मुझे हमेशा आपने संभाला। साल मैंने मेरी माँ के प्यार के बगैर गुजार दिए दादी, आपकी वजह से मुझे मेरी माँ का प्यार वापस मिला है। मैंने तो माँ को कातिल, गुनहगार, पता नहीं क्या क्या मान लिया था, पर वो आप ही थी ना, उन्होंने मुझे सच्चाई बताई। बस कीजिए आप, ऐसी बातें करके मेरी गलती पर पर्दा डाल रहे हैं। को देखती हूँ तो मेरा चेहरा शर्म से झुक जाता है कि दादी होकर मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। माँ जी, माँ जी देखिए मेरी तरफ, मुझ में शक्ति नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी अंदर की शक्तियों को भूल गई हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। आज जब राम जी और उनकी सेना सीता मैया को ढूंढने के लिए हिंद महासागर पार करके लंका पहुंचना चाहते थे, तब तब की नजरें हनुमान जी पर थी। पर हनुमान जी ने भी हार मान ली थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल चुके थे। तब जामवान थे, जिन्होंने हनुमान जी को उनके अंदर की शक्तियों के बारे में याद दिलाया।
रामवंश के शब्दों का इतना गहरा असर हुआ हनुमान जी पर कि उन्होंने विराट रूप धारण करके महाहीन सागर पार कर और सीता जी तक पहुंच गए। उसी तरह आपको आपके अंदर की शक्ति को याद करना होगा माँ। फिर देखिए कोई भी परिस्थिति आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। के बाद एक गौरा सूर्यवंशी की उसकी तरह दस भी गौरा आ गई। फिर भी कोकिला मोदी को नहीं हरा पाएगी। खड़ी हो जाओ मोदी परिवार की रक्षा। आप हमारी इस परेशानी में वीरांगना है। आप बड़े मंदिर चले गए ये बोलकर कि मैं विद्या जी को फोन करूं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी विद्या जी मेरा फोन उठाएंगी भी या नहीं? विद्या, विद्या आपके लिए फोन। मेरे लिए? किसका फोन है मीठी मासी? ये तो बताया नहीं, लेकिन किसी को बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो। हेलो विद्या जी। विद्या जी प्लीज फोन मत रखिएगा। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज ट्रस्ट मी विद्या जी। ट्रस्ट यू? इतना सब होने के बाद आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? मुझे दोबारा कॉल मत करना प्लीज। हेलो विद्या जी। हेलो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? इतना बड़ा धोखा देने के बाद वो क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? मुझे कोई बात नहीं करनी। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? एक मिनट है, सुन तो लेते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। बोलो श्रवण। हेलो गोपी माँ, आप सबसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद विद्या जी की आंखों ना सुनी आने दूंगा। बस श्रवण, सुन लिया हम सबने तुम्हें जो कहना था। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद कुछ भी भूलना हमारे लिए आसान नहीं है, या तो फिर यू कहूं कि मुमकिन ही नहीं। पर प्लीज विद्या को अकेला छोड़ दो, मत परेशान करो उसे। मीरा छोड़िए मुझे। चुप चुप छोड़िए मुझे। चुप छोड़िए मीरा। बाजी शावन, अभी अभी मीरा के चिल्लाने की आवाज आई है। शावन मीरा को फोन दो। हाउ डे यू। हाजी प्लीज छोड़िए उन्हें। छोड़िए। ये गौरा क्या कर रही है मीरा के साथ? भाजी आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। मैं कह रहा हूँ छोड़िए उन्हें। मुझे बड़ी दया आ रही है अपनी सौतेली माँ पे। पापा ये चल पीछे हट, ज्यादा मत बोल। उसके साथ ऐसा ही होता है, समझ गए डफोड़? छोड़िए मुझे, छोड़िए। गौरा मासी खबरदार, तेरी मीरा को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी एक तीखी छुरी बहुत पढ़ी लिखी है। छोड़िए मुझे प्लीज।
इसलिए सीधी सादी सजा पक्का ठिकाने नहीं लाएगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।